Z4 का पेट्रोल मैनुअल है। माइलेज क्या दे रही है आपको? इसमें CNG कब लगवा रहे हैं? इसमें CNG नहीं, 172 है। यस, ये 203 हॉर्स पावर है। रोड पे रौला है ना, मतलब तो इसका कॉस्ट क्या पड़ी गौरव जी? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका कुलदीप कौशिक, आज दिखाता हूँ आपको भाई क्या होता है शौक। वो देखो सामने गाड़ी चली आ रही है जिसके रिबन भी लगे पड़े हैं भाई अभी। इसे कहते हैं शौक। ब्लैक वाली गाड़ी तो आपने भाई बहुत बार देख ली है, Z8L तो आपने बहुत बार देख लिया है, आज आपको दिखाते हैं भाई Z4। मेरी बात का बुरा मत मानना, भी ये Z8L खड़ी है और ये है हमारी Z4। अब Z4 को पहचानने के लिए भैया ज़्यादा माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉग लैंप देख लेना, आपको मालूम पड़ जाएगा भैया ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मांग रही है। तो फ्रेंड हम बुलाएंगे इनके प्राउड ऑनर को, बहुत ही यंग है, बहुत ही एनर्जेटिक है, आपने उनके व्लॉग्स भी देखे होंगे। लेट्स वेलकम मिस्टर GK। नमस्ते भाई, मेरा नाम GK जनरल नॉलेज नहीं है, मेरा नाम गौरव कपूर है, तो इसीलिए मैंने GK ब्लॉग्स रखा था, तो दा GK ब्लॉग्स लगा दिया था बिकॉज GK ब्लॉग से पहले एक चैनल था। पर अच्छा आपने अच्छा रखा, रियली आई एम रियली हैप्पी कि आपने इतना बढ़िया नाम रखा है, इजी टू रिमेंबर, बड़ा कैची है, शॉर्ट। एग्जैक्टली, पहले तो बताओ सर ये कौन सा वेरिएंट है? सर ये Z4 का पेट्रोल मैनुअल है। पेट्रोल है ये? ये पेट्रोल भैया, पेट्रोल आ गया, देख लो डिलीवरी पेट्रोल की भी होनी शुरू हो गई। डीजल 4x4 लिया था? नो, ऑटोमेटिक लिया था आपने, ठीक है, तो मैंने पेट्रोल मैनुअल ले लिया। तो पेट्रोल किसी के पास दिख नहीं रहा था, सबके पास SUV डीजल में है, तो मैंने कहा कि भैया पेट्रोल निकालते हैं, तो इसीलिए मैंने पेट्रोल लिया। 4x2 है ये, पर हाँ बेशक डीजल नहीं है लेकिन 200 घोड़े बोलते हैं इसके। आपकी मेरी गाड़ी में ये फर्क है, ये डीजल है पेट्रोल है? बिल्कुल नहीं, हॉर्स पावर का है ना। आपके घोड़े ज्यादा है, 172 है। यस, ये 203 हॉर्स पावर है भैया। पेट्रोल वाली गाड़ी को मैं पहली बार रिव्यू कर रहा हूँ तो 203 है इसके अंदर। हाँ। और फिर बता दो इसकी टॉर्क कितना है इसमें? टॉर्क इसमें 380 है, 390 एग्जैक्ट मुझे 380 है। वेरी गुड 390 का टॉर्क है। लेकिन मैंने ना पेट्रोल के रिव्यू, मतलब मैंने जब गाड़ी टेस्ट ड्राइव ली थी, मैंने पेट्रोल चलाई ही नहीं थी मेरी आने से पहले, मैंने सिर्फ डीजल चलाया था, वो भी मैनुअल, ठीक है, वो भी बहुत अच्छी थी, टॉप मॉडल चलाया था। लोग कहते हैं इसका तीसरा गियर रॉकेट है, इसका चौथा गियर भी रॉकेट है, और जो आज तक किसी ने किसी वीडियो में नहीं बोला, मैंने अभी आते वक्त नोटिस करा, इसका पांचवा गियर। मैं चला के देखूंगा। अरे बिल्कुल, इसका पांचवा गियर इतना खतरनाक रॉकेट है, अगर आप 60 से ऊपर और आपने पांचवा पे हल्का सा पंजा दबाया, जूम जाती है गाड़ी, जूम बहुत खतरनाक। तो आपकी गाड़ी चलती काफी कम है क्या? मेरी गाड़ी अभी तक ये शायद से 450-450 किलोमीटर चली होगी। कब ली आपने? मैंने अभी 13 जनवरी को डिलीवरी हुई है। बुक क्यों हुई थी? बुक मैंने जिस दिन लॉन्च हुई थी। डेट क्या शो कर रहा था? डेट मेरे को 18 दिसंबर से 18 जनवरी शो कर रहा था, बीच में डेट गायब हो गई थी, पर मैं कस्टमर केयर पे जो इनका ऑनलाइन पोर्टल था उस पर लगा रहा, और उन्होंने कहा कि हम आपकी गाड़ी 20 जनवरी से पहले दे देंगे, तो उन्होंने मेरी 13 जनवरी को गाड़ी दे दी, यूनाइटेड महिंद्रा फरीदाबाद। इसका मतलब तो यार जो ये कहते हैं वो करते हैं। बिल्कुल, मेरे को बहुत लोगों ने, मेरे साथ काफी मेरे खुद के सब्सक्राइबर्स है जो कह रहे हैं कि हमारी डेट्स फॉरवर्ड हो रही है, काफी लोगों की डेट्स फॉरवर्ड भी हुई है, लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि कई यूट्यूबर्स को गाड़ी मिल गई है, लेकिन मेरा यूट्यूब चैनल तो मोनेटाइज ही अभी हुआ है। अभी दो यूट्यूबर्स का वीडियो डाला था मैंने भाई, अब तक नहीं मिली है। ये कहने की बातें हैं यूट्यूबर्स को नहीं मिल रही। हाँ, गाड़ी है यूट्यूबर्स की है वो है पहले वाली दबंग लोगों की थी। हाँ, ये यूट्यूबर्स की है। और इस गाड़ी का जो रोड पे रौला है ना, मतलब लोग ना ऐसे मुड़ के देखते हैं कि गाड़ी चला कौन रहा है। बड़ी बहुत है भाई, बिल्कुल। हाँ बड़ी बहुत, व्हाइट में लगती बहुत बड़ी यार, व्हाइट। हाँ ये ब्लैक से बड़ी लग रही है, व्हाइट कलर में ना गाड़ी निखर के आती है, और मैंने इसका सिरेमिक भी बना रखा है। क्या बात का, अभी पूछूंगा आहिस्ता, अभी ऐसे भंडा मत फोड़ो यार तुम, आहिस्ता आहिस्ता। तो वेरिएंट हो गया आपका Z4 पेट्रोल मैनुअल। मैनुअल है जी, मैनुअल है जी। अब मैं पूछता हूँ इसका कॉस्ट क्या पड़ी गौरव जी, वो बताओ। इसकी कॉस्ट मेरे को इंट्रोडक्टरी प्राइस पे पड़ी है यार, वो कितनी पड़ी हम तो ये पूछ रहे हैं। नंबर्स, ये नंबर्स मेरे को जो एक्सोरूम था इसका वो 13.5 था। 13,50,000 रुपए आप एक्सोरूम हो गया, ऊपर से 13,49 था। हाँ, वो भी एग्जैक्ट, ठीक है ठीक है। उसके बाद मेरा रोड टैक्स और सब कुछ मिला के मेरे को 2,00,000 ऑन पड़ रहा था, जिसमें से मेरी 35,000 से 40,000 रुपए की कोई शोरूम की कोई क्लीनिंग किट या कुछ ऐसा था जो की ऑप्शनल था, वो मैंने नहीं लिया, तो उसके 40-45,000 लेस हो रहे थे। और फिर मैंने 17,000 का एक साल का एक्सटेंडेड वारंटी लिया, ठीक है, तो मेरे को ये प्लस आपका 13.5-16 के आसपास पड़ गई है ऑन रोड आके, इंश्योरेंस मिला के सब मिला के। इंश्योरेंस कितने का हुआ? इंश्योरेंस मेरा हुआ था इसका 57,000 या 56,000 का, 3 साल का, 0 डेप्थ, सब कुछ इंक्लूडेड, ठीक है। उसका मेरा 59 का हुआ था, वेरी गुड। वो डीजल, हाँ हाँ, थोड़ा बढ़ गया, तो यानी कि गाड़ी आपको 16,00,000
16 लाख 15 या 20 के एयरफेयर में पड़ गया ऑन रोड विदाउट एनी मॉडिफिकेशन विदाउट एनी एसेसरी। तो 16 लाख 15 हजार में भैया इतनी बड़ी गाड़ी मिल जाती है आपको, जिन गाड़ियों की कम चलती है ना भाई उधर गाड़ी ले ले। भाई ने अभी रेड कलर के रिबन में क्या लग रही थी यारी गाड़ी, मैंने फ्रंट के रिबन हटा दिए हैं क्योंकि वो स्क्रैच पड़ जाते हैं, स्क्रैच पड़ जाते हैं। आपने सही किया, चलो मॉडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। अब ये बताओ मेरे को, चलो बुकिंग के आपको मुझे मालूम पड़ गया, ये यार माइलेज क्या दे रही है आपको? माइलेज जब मैंने शुरू में देखो, मैंने शुरू में एक दो दिन तो नई नई गाड़ी थी, डर के चलाई रोड पे, क्योंकि एक तो बड़ी गाड़ी थी, मेरी पहली गाड़ी थी, इससे पहले मेरे पास छोटी गाड़ी थी, तो मैंने उसके हिसाब से बहुत ऐसा लग रहा था। कौन सी छोटी गाड़ी थी? मेरे पास मारुति की इको थी, हमारा फैमिली बिजनेस यार वो भी बड़ी है, इको तो इको कम है, वो वेरिएंट 5 सीटर एसी में था। बिकॉज़ सीधा यहां शिफ्ट हो गए? हाँ सीधा यहाँ, ये मेरी तो फर्स्ट कार है वो पापा के टाइम। तो शोरूम जब गाड़ी निकाली, 10 साल हो गए गाड़ी को, 10 साल हो गए ना, वो पेट्रोल है डीजल है? 12 में नहीं थी, वो भी पेट्रोल है, वो पेट्रोल में आती शायद, वो आती पेट्रोल, पेट्रोल आती पेट्रोल, मारुति मारुति बाहर से लगवा रखा था उससे। अच्छा अच्छा अच्छा, सीएनजी बाहर से था। तो इसमें सीएनजी कब लगवा रहे हैं? इसमें सीएनजी नहीं, कितनी माइलेज है ये बताओ, अभी सीएनजी लगवाते हैं आपकी? मैंने शुरू में डर डर के चलाई थी ना, तो मैंने इसको 50-60 से ऊपर नहीं चलाया था, तो मैंने 13.5 की एवरेज निकाली थी, 13.5 की लोकल में। अच्छा, मतलब कि जैसे कैसे मालूम पड़ा 13.5 पहले सच बताओ कैसे मालूम पड़ा इसका? जो मैंने एमआईडी किया था, एमआईडी से तो 3-4 कम आती है। मैंने अभी मेरे को टैंक टू टैंक कराया नहीं कराया, वो कराना क्योंकि मेरा अभी लॉन्ग ट्रिप इतना लगानी है, मेरे पास काफी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, टैंक टू टैंक इसका बनाऊंगा, और अभी मेरे को आते वक्त भी बनाना था, बट जाम, मैं 1 घंटा जाम में लगाऊ, मेरे ब्लॉग में जाके देखना, इतना बुरा जाम मैंने गुड़गांव में इतना जाम कभी नहीं। कितनी चली है ये अभी एग्जैक्ट तो मैं देख के बताना पड़ेगा, और बताना कितने टैंक भरवाए आपने, हम निकाल लेंगे सर। अब तक ये 13 की माइलेज, 5000 रुपए का तेल लगा, मेरी एमआईडी दिखाती है 22, एक्चुअल में 16 है, 22 16 है एक्चुअल में। अरे बाप रे, 22 तो बहुत खतरनाक हो गई। अब बताओ चली कितनी? हाँ ये एग्जैक्ट आपकी 470 किलोमीटर, 470 में, यानी कि आपने अभी एक टैंक फुल कराया होगा। हाँ है ना, अभी इसमें तेल है 190 किलोमीटर, 190 यानी कि फिर तो सही चल रही है, 600 किलोमीटर अगर चल जाएगी तो यार ये इतने तो मेरी 800 चलती है, 190 किलोमीटर, और सिटी में तो मेरी 600-700 चलेगी, वेरी गुड, फिर तो सही माइलेज है। हाँ। लोग डरते हैं माइलेज की यार, माइलेज मेरे को कुछ सेंस नहीं लगता। एक तो लोग आजकल जो कह रहे हैं ना माइलेज, आज से अगर मैं 7-8 साल की पहले की बात करूँ ना, तो 10-12 की एवरेज ही देती थी गाड़ियाँ, जो अभी स्विफ्ट और ये आ गई ना 20-24 ही अभी दे रही है गाड़ियाँ एवरेज, और इतना बड़ा इंजन, पर वो अनसेफ है यार, जीरो रेटिंग है ये, 5-star रेटिंग गाड़ी है। आज की डेट में आप कार लेने जाओ, आप गाड़ी 10 से 12 लाख से नीचे तो कोई गाड़ी है नहीं, आप सेल्टोस में चले जाओ, क्रेटा तो 10 लाख से कम तो है नहीं, ठीक है, आप 10 लाख में किस में जाओगे? XUV 300 के बेस वेरिएंट में जाओगे, सोनेट में चले जाओगे। हाँ। इसके अलावा कोई अच्छा ऑप्शन नहीं, मारुति में भी चले जाओ, मैं कह रहा हूँ बलिनो भी 8-8.5-9 लाख की पड़ रही है, अर्टिगा भी 11.5-12 लाख की पड़ रही है 7 सीटर में। सर ये तो स्टील डीलर, 16 लाख रुपए में आपने 5-star लेने गाड़ी ली है, इतनी 5-star हो गई, इतना बड़ा इंजन रॉकेट, 203 हॉर्स पावर, उसके साथ अगर आप इसको भगा भी लो ना तो 11-12 की एवरेज तो है ही है। फिर तो मैंने गलती कर दिया, मैं सोचता रहा कि पेट्रोल की माइलेज 6-7 की है इसमें। नहीं नहीं, माइलेज हाँ अपने ऊपर डिपेंड है, अगर आप इसको ओवर है 4,000-4,500 RPM पे चलाओगे ना तो नहीं, नहीं मैं तो चलता 1500 में, तो भी 9.5 से नीचे तो जाती ही नहीं। अच्छा हाँ देख लो, सोच के जवाब देना सर, क्योंकि आप गारंटी, जो लोग देख रहे हैं वो पेट्रोल ले लेंगे फिर। अरे बिल्कुल, मैं तो खुद कह रहा हूँ भैया, ध्यान रखना जी के भाई साहब को, दिल्ली NCR के अंदर एक तो 15 साल और 10 साल का बहुत बड़ा ये इशू हो चुका है, डीजल गाड़ियां 10 साल के बाद चलाने देते, और मैं कह रहा हूँ इस जहाज का क्या बिगड़ेगा। मैंने इसलिए तो ली कि माइलेज कम है इसमें पेट्रोल में, नहीं नहीं नहीं, और दूसरा हाँ लॉन्ग रूट पे डीजल का और फायदा है, मेरे को लॉन्ग रूट ट्रिप्स प्लान करने हैं काफी करने हैं, पर हाँ पेट्रोल के साथ अगर डीजल आपकी 16-17 भी दे रही है, 16 दे रही है आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से, और मैं अगर इससे अपनी कैलकुलेशन में इसकी MID पे नहीं जाता, अगर मैं 11 भी निकालता हूँ 10-11 ठीक है अच्छी तो भी ठीक है, बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। तो टैंक कितने लीटर का इसका? टैंक तो सेम ही है भैया, आप हम सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि ये तो डीजल का तो मालूम है 57 लीटर का है, पेट्रोल का कितना है? सेम है 57 लीटर, 57 है, दोनों में सेम है। एक बात आओ मेरे को आप, इसका जो मेन क्वेश्चन है का स्टेयरिंग इलेक्ट्रिक है भैया? पेट्रोल में इलेक्ट्रिक है, पावर भी फुल है, और पावर पूरे में फुल आती है, चाहे मैनुअल भी ले लोगे Z4। हाँ। लेकिन अगर आपने डीजल मैनुअल लेंगे तो उसकी पावर 132 BHP है, और स्टेयरिंग भी हाइड्रोलिक है। पेट्रोल वालों को ये फायदा होता है, 15 साल के मजे भी लेंगे। अब आपसे पूछ रहे हैं शेयरिंग, आपने पूछा है, मैं एक और चीज बताऊंगा। हाँ। शेयरिंग ना इसका मक्खन है, तो सेम ही होगा, इको में तो पावर शेयरिंग आता नहीं था तो हमें तो आदत थी भैया लोकल की, बिल्कुल देसी था उसमें तो। यस, ठीक है, उसके बाद मैंने स्विफ्ट भी थी हमारे घर में, मैंने स्विफ्ट चलाई है, हमारे पास माइक्रा थी, माइक्रा भी ड्राइव करी है, माइक्रो का सब में हाइड्रोलिक है,
इसका इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग इतना मक्खन है और 50-60 होने के बाद जो ग्रिप आती है उसके स्टीयरिंग के अंदर वो इतनी खतरनाक है, आपका स्टेबल हो जाता है स्टीयरिंग, मतलब अगर आप थोड़ी सी ना जान लगानी पड़ती है वो स्मूथनेस खत्म हो जाती है। तो और हाई स्पीड पे इतनी भारी गाड़ी के साथ वो चीज़ बहुत रिक्वायर्ड है, वो होनी चाहिए और वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। अभी मैं जैसे इतनी खींच के लाया हूँ गाड़ी, मैंने 100-110 और हाँ 60 के बाद ये 110-120 ऐसे उठती है जट की तरह, ये उठती उठती है बहुत गजब तरीके से। ORVM फोल्डेबल है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है भैया, इसके अंदर डीजल में भी और पेट्रोल में भी ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्ट तो होते हैं पर फोल्ड नहीं होते भैया, फोल्ड नहीं होते, आपको ये हाथ से फोल्ड करना पड़ेगा अगर। वेरी गुड, अब ये बताओ मेरे को, वो तो सब मैं समझ गया, ये बताओ आपने इस गाड़ी में लगवाया क्या क्या है। मैंने अभी तो पहली बात गाड़ी कहीं बाहर से टच नहीं करवाई है, अच्छा मैंने शोरूम से टच करवाया और शोरूम से ही मैंने ज्यादा कुछ नहीं, एक तो अलॉय व्हील डलवाए थे। कितने इंच है? 17 इंच डलवा दिए थे भाई। ये 17 है, ये 18 है, दोनों ही कंपनी वाले हैं। अच्छा जी, 17 को ब्रिजस्टोन का टायर मिला था, ठीक है, और आपके शायद टायर चेंज हुए हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, सेम है जो ऑटोमेटिक टॉप एंड में आता है। अच्छा, आपके ऑटोमेटिक में तो 18 ही आता है, ये वही है। हाँ ठीक 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 ठीक, नहीं नहीं नहीं, मेरी तो Z4 है भाई, इसमें ऑटोमेटिक है ना, सेम आता था जो आपने आया था, इसका आपका वेरिएंट ऑटोमेटिक है ना, ऑटोमेटिक हां, तो ऑटोमेटिक में तो 18 इंच ही आता है। नहीं नहीं, वो टॉप एंड 28 लाख टॉप में, 28 लाख वाले में टॉप एंड मॉडल है Z8L ऑटोमेटिक, ओके में 18 इंची है। मुझे अब तक कंफ्यूजन था कि सारे ऑटोमेटिक में 18 इंची, ना किसी में भी, सब में 17 इंची, ध्यान रखना। अच्छा, अलॉय व्हील की ना एक छोटी सी बड़ी पहचान देने वाली बात है, 17 और 18 में आप साथ साथ दिखाओगे ना तो डिफरेंस है। हाँ ठीक है, और इसका डिजाइन चेंज भी, इसकी स्ट्रेट स्ट्राइक, इसका कर्व बिल्कुल, ये डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस क्यों किया गया, ताकि 17 और 18 में डिफरेंस देखे। अगर आप इसको सेम डिजाइन हो ना अलग अलग देख रहे हो, 17 18 में मालूम नहीं पड़ता, कोई पता नहीं चलता। 17 इंच का करके आपने बड़ा फायदा क्या हुआ है, आपकी माइलेज ठीक रहेगी। तो ये 17 इंच के आपने शोरूम से लिए, शोरूम से लगाया, क्या प्राइस दिया? ये मैंने इसके 68,000 उन्होंने बोले थे, ठीक है, और मैंने राउंड फिगर में उन्हें रिक्वेस्ट कर करा के बड़ी मिन्नत है कर के 65,000 के पड़े। टायर वही है, टायर जो इसमें आया था मेरा 17 इंची था, मेरे को ब्रिजस्टोन का टायर मिला था, मेरा वही टायर है, ये वही टायर है, मैंने रिप्लेस करा दिया भैया, मेरे को ब्रिजस्टोन का टायर, मेरी एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है पहले, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ब्रिजस्टोन पसंद आया। तो 68,000-65,000 में आपका ये काम हो गया, ये हो गया। और क्या हुआ उसके अलावा, मैंने गाड़ी लेने, ये मड फ्लैप बताओ ना, ये मड फ्लैप ना मैंने शोरूम से नहीं लिए, ठीक है, ये मैंने बाहर से लिए हैं, और ये मड फ्लैप मैं गाड़ी, जैसे मेरी 13 तारीख की डिलीवरी थी, 12 तारीख को रात को दो चीजें ले आया था, एक तो पूरी गाड़ी के मैट, 70 मैट और मड फ्लैप, अच्छा, क्योंकि रोड पे अगर एक बार गाड़ी चल जाती है और उसमें नई गाड़ी में सब लोग चढ़ते हैं, फैमिली है, रिलेटिव है, सब बैठेंगे ऑब्वियसली, और मेरा तो क्या, सब रिलेटिव आस पास रहते हैं, तो ताकि मैट गंदे ना हो मैं 70 मैट्स और मड फ्लैप लेने के लिए। ये मड फ्लैप मैं शोरूम की बताता हूँ, शोरूम में मड फ्लैप 1,000 रुपए के थे, अच्छा ये वाले, हाँ। सेम इसी कंपनी के, ठीक है, और मुझे बाहर से 250 रुपए मिले। क्या बात कर दी यार, और दिखाओ ना, 250 तो बड़ी सस्ती लिया यार, हमने 400 के लिए। ये 70 मैट्स, ओए होए होए, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये 70 मैट्स इससे लेस क्वालिटी के आपको शोरूम में मिल रहे हैं 10,000 रुपए के। और ये, ये अगर मैं वो वाली क्वालिटी लेता ना शोरूम वाली, तो मिल रहे थे मेरे को 3200 रुपए के, ठीक है, और ये उससे ऊपर वाली क्वालिटी है, 5,500 के बोले थे, 4,000 में लाया हूँ, 6 महीने की गारंटी। क्या बात है, पूरी रिप्लेसमेंट सील डील है। और ये जो इसका मैट है ना, ये चीज इसकी 1 साल की और ओवरऑल की 6 महीने। नहीं भाई, ये कहां से डाल देना भैया, बता देना कहां से। अरे बिल्कुल, इसका अलावा 4,000 और 250 रुपए। तो भैया और क्या कराया आपने? मैंने बस अभी इतनी चीजें कराई है और मैंने इसमें कुछ नहीं करा रखा, बाकी ऊपर ये सेरेमिक का है, तो सेरेमिक करा लिया आपने? सेरेमिक करा ली मैंने। क्या फायदा सेरेमिक का? मैंने ना काफी देखा था, देखो अगर मैं ब्लैक भी लेता, PPF का मेरे को नहीं कराना था, क्योंकि मेरा PPF में एक तो पैसा बहुत लगता है, ठीक है, मुझे उसका मतलब नेगेटिव में मत लेना, लेकिन ना मुझे उसका सेंस समझ नहीं आता। PPF 5 साल की वारंटी है शायद से, 1 लाख 1 से 1.25 लाख के अंदर, ठीक है, अगर आप 10,000 रुपए या 50,000, चलो आप महंगी से महंगी कहीं पे करा लेते हो, आपका वो सेरेमिक, ठीक है, तो 40,000 का ना, ये जो बुल्स और ये महंगी महंगी ब्रांड्स है इनका है, जो कि आपको 3 साल की गारंटी देती है, 3 साल के बाद मैं कह रहा हूँ वो कहते हैं कि हम मेंटेन कर देंगे, भाड़ में गया मेंटेनेंस, मैंने 3 साल के बाद 40,000 और लगा दिए गाड़ी, मेरा 80,000 का खर्चा आया, 80,000 में मेरे 6 साल गए, ठीक है, 1 से 1.25 लाख PPF में लगा, 5 साल का प्लस मेंटेनेंस का अलग पैसा, कम से कम 1.5 लाख तो कहीं नहीं गया 5 साल का, तो 70 से 80,000 में मेरे 6 साल हो रहे हैं ना, ये तो हो गई बड़ी ब्रांड की बात। मैं गया था लोकल वेंडर पे, मेरे एक फ्रेंड के थ्रू मेरे को मिला, उसने मेरी सेरेमिक करी है, सेरेमिक प्लस रबर कोटिंग 13,000 में।
13,000 में करा लिया आपने ना, बढ़िया ठीक है ठीक है। पूरी एंटीरस रबर कोटिंग, बहुत बढ़िया यार। 13,000 जो कि एक साल की, तो वो कह रहे हैं एक साल तक कुछ नहीं होगा, उसके बाद आप मेंटेनेंस पे डिपेंड करती है। सेरेमिक तो मेंटेनेंस पे बहुत डिपेंड करता है, पीपीएफआर दोनों मांगती है मेंटेनेंस। अब अगर मैं एक साल के अंदर मेंटेन नहीं भी करता, अच्छा ये मैट फिनिश शूज ऐसे कुछ स्पार्कल से आ रहे हैं, इसमें अच्छा लग रहा है यार। ये एवरेस्ट व्हाइट, अच्छा एवरेस्ट व्हाइट है, ये एवरेस्ट व्हाइट है ना, कुछ स्पार्कल से है ना, ना हाँ बिल्कुल है। एवरेस्ट व्हाइट का मतलब ही है, एवरेस्ट आपने माउंट एवरेस्ट पे बर्फ की स्पार्कल आते आते, यस यस ये वही शाइन है, बर्फ की जो शाइन मिलती है ना, इसलिए इस पेंट का नाम एवरेस्ट व्हाइट रखा गया। और ये मुझे भी कलर लेने के बाद समझ आया है कि इसका नाम एवरेस्ट व्हाइट क्यों रखा गया है। ये फॉग लैंप का क्या सीन है? फॉग लैंप ना मेरे को बाहर तो मिल रहे हैं, आपने डलवाए हैं, मैंने देखे है, ZTL है, मैं तो मान गया, लगे लगाए आए थे। तो फॉग लैंप इसके बाहर मिल रहे हैं, बट मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि मैं शोरूम से डलवाऊं, क्योंकि रेट सेम बढ़ रहा है। बिल्कुल सही। तो अभी शोरूम पे मेरा कैमरा, फॉग लैंप और ये जी स्टिंग ये अवेलेबल नहीं है, मैं डलवाने पा रहा हूँ शोरूम से। 18-19 हज़ार के ये है। 18-19 हज़ार के? हाँ जी, बहुत महंगे यार। आपको कितने के पड़े? मेरे को तो 15,000 के पड़े। अच्छा सॉरी, आपकी तो ZTL है। अब मैं भूल गया यार, सच रहा छिपता नहीं है। किसी ने नहीं सुना, किसी ने देखा तो नहीं। और एक कैमरा लगवाना है, वो कैमरा भी है नहीं, पड़ रहा है, है ही नहीं, कहीं अवेलेबल नहीं है, जब आएगा लगवा देंगे। बताया जी सिंग भी अवेलेबल नहीं है अभी, ये जो क्रोम वाली चल रही है। क्या बात कर रहे हो, ये तो नहीं लगवा, हमारे तो लगी ZTL में, वही लगी लगी आती है, तो बढ़िया चीज है। अभी बताऊंगा आपको। अच्छा अच्छा, तो कर ZTL है ना वो, ये लैंप बताओ ना, हेडलैम्प, लो बीम हाई बीम, वैसे वैसे ही है। हाँ वैसे ही है। और विजिबिलिटी की बात करूँ तो विजिबिलिटी से मैं बहुत सेटिस्फाइड। येलो ठीक है ना? येलो ठीक है, राइट इफेक्ट नहीं है। मैंने इसका पता नहीं करा था, अगर मैं व्हाइट करवाऊँ भी तो उसका कुछ खर्चा है शायद 20-25 हज़ार। क्या बात कर रहे हो यार, किसने कहा? व्लॉग कम देखते हो हमारे यहाँ? शोरूम नहीं, नहीं आपकी बात नहीं, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये चेंज करने हैं 60 पे 60। मैं वही कह रहा हूँ, आपका ब्लॉग देखने के बाद ही आपने तो करवा लिए। हाँ। शोरूम से 9,000 रुपए का दो बल्ब का सेट है, चार डलेंगे 18,000। अच्छा जी, क्या बात है, 2,000 रुपए लगाने के, ये यहाँ से कॉस्ट निकालते हैं फिर, ये 20,000 रुपए में लगेंगे आपकी ये हेडलाइट के चार बल्ब, लो बीम और हाई बीम के 20,000। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो व्लॉग देखना, मालूम बड़े सस्ते में काम कराएंगे। नहीं, वेरी गुड वेरी गुड, चुटिया आपने बांधी भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया किया आपने बांधी है, मुझे बड़ी खुशी हुई देख के। हाँ। मैंने पीछे बांध रखी है, पीछे मेरे को कहीं स्पेस नहीं मिला था। तो आपने 65 खर्च दिए और 7-8 हज़ार आपके वो खर्च हुए। हाँ बिल्कुल, उसमें 5,000 का 4,000 के वो टोटल 5,000 में, 4,500 में मेरे मड स्लैब और वो दोनों आ गए। पर अलॉय से लुक तो आ जाती है ना, अलॉय से ही मेन लुक है। अच्छा, और इसका इंटीरियर तो दिखाओ जरा हमें, देख लो भाई Z4 पेट्रोल के अंदर भी क्या सीन है, बिल्कुल डिट्टो गाड़ी लग रही है भाई जो मुझे मिली थी। इसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं है, सेम की सेम चीज, सिर्फ ये फर्क है कि ये इसके अंदर जो है ये मैनुअल ट्रांसमिशन है, वो ऑटोमेटिक है। तो जिस जिस भाई की पेट्रोल मैनुअल आने वाली है तो आप देख लो गाड़ी आपको ये मिलेगी भैया सीट कवर। भाई ने, भाई जी कब गाड़ी डिलीवर हुई आपकी? जनवरी में। 13 जनवरी। तो 13 फरवरी, अच्छा अभी तो ठीक है ठीक है। हाँ अभी तो, लेकिन ये जो सीट कवर, बताओ मुझे आप क्या फीडबैक आपका? मैं इसमें बहुत कंफर्टेबल हूँ। मस्त है ना? मस्त है, क्योंकि एक तो अभी गर्मी नहीं आई है तो पॉलिथीन से कुछ इतना इशू नहीं हो रहा है, इतना कुछ है नहीं, लेकिन निकालने पड़ेंगे, निकालोगे और मजा आएगा आपको। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं ना लेदरेट वाली में मैंने बैठा है। हाँ। मैं बैठा और मैंने ब्लॉग्स भी देखे हैं, लेदरेट वाली ना कुछ 10-15 किलोमीटर के बाद आपको लगता है कि यार थोड़ा सा ना उठना है। बिल्कुल मत करना भाई जी, मैं ये ऐसे रखो इसको, जब ये कहीं फटे ना तब कर। हाँ जी बस वही है, मेरे को एक चीज डाउट है, आपकी मेरी फैब्रिक सेम है अलग है? नहीं अलग है, अलग है ना, मेरे को फैब्रिक बहुत पसंद आया। जब दूलूंगा घूंघट तो उठाओ, उधर वाली सीट का खुल जा। अच्छा जा ठीक है, ये बताओ मुझे ये कोई तकलीफ दे रहा है? नहीं ये मुझे कोई तकलीफ नहीं दे रहा, उल्टा इसमें हैंड रेस्ट बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सपोर्ट आता है मेरे। ये भी आपने वैसा रखा, लेदरेट नहीं किया है, क्रूज है इसके अंदर? बिल्कुल है भैया, क्रूज भी है। चलाना नहीं आ रहा, हम बताएंगे ना, हम बताएंगे सर, बहुत सिंपल है वो तो लगता ही नहीं है एक बार। अरे हम किस लिए फिर? अच्छा जी वेरी गुड वेरी गुड भाई, ये लग तो सेम जी रही है यार, बिल्कुल सेम है। तो हाँ तो मुझे तो बिल्कुल वगैरह बहुत क्या लग रही है ना यार, आपके मैट बड़े कदर है यार, बहुत बढ़िया। और एसी, इसका एसी कैसा है? और एसी बहुत खतरनाक है, थ्रो इतना गजब है इसका, मैं कह रहा हूँ। इसके मैंने डक्ट देखे थे, वो डेढ़ टन वाले घर के एसी की पाइपलाइन होती है ना, वो लगा रखे हैं इन्होंने। मैं सोचता था पीछे तकलीफ होगी भाई, एक की स्पीड पे मूवे मारती है, बहुत खतरनाक। हाँ बहुत बढ़िया डिट्टो भाई, सेम है, सिर्फ इंजन का फर्क है, ये 2000 cc का है, हमारा 2200 cc का है पेट, बस बाकी तो मुझे ये A to Z गाड़ी भैया। हॉर्स पावर का फर्क है भाई मेरी ज्यादा, भैया हॉर्स पावर का, हॉर्स पावर ज्यादा, घोड़े दौड़ते हैं भैया इनके। अब इनकी देखते हैं डिग्गी कैसी दिखाई, सर डिग्गी दिखाई हम। हाँ जी। और फीडबैक भी देखते हैं कि क्या है इनका, क्या फीडबैक है डिग्गी के बारे में।
डिग्गी ठीक है, अभी रिसेंटली मैंने इसमें कुछ सामान वगैरह रखा था, हमारे एक कजन वगैरह में शादी थी तो उसका सीन था, तो मैंने इसलिए इसमें कुछ अभी कवर नहीं है, तो मैंने इसमें एक चद्दर डाल दी थी, पर ठीक है, गड्ढा गड्ढे से फर्क पड़ता है मेरे को। आपने ये जो वो ली है मैट पीछे के भी है क्या? हाँ, हाँ, पीछे के भी है तो यार, पूरा मुझे यार बंदे ने पीछे के नहीं दिए होंगे। नहीं नहीं, इसे डिक्की का नहीं आता कहीं पे, नहीं 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 देने, वही 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 यार, मैंने पता करा था, प्लास्टिक की ट्रे 1000 रुपए की दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं जरूरत नहीं, कोई सेंस नहीं है, वो जो इसमें बीच में मैट लगा हुआ है ना वो 200 रुपया कट के मिल जाता है, तो मैं पीछे वो बिछा दूंगा। बिल्कुल सही है। इस गाड़ी में एक फर्क और होता है भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ, पता नहीं हमारे जीके भाई को पता नहीं पता, अभी देखो फर्क आपको मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही दिखेगा, दूसरा नहीं दिखेगा, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर DEF नहीं आता है, पेट्रोल की गाड़ियों में नहीं है। ये सेम भाई का भी है, मेरा भी था, मतलब मैं तो कह रहा हूँ ये गाड़ी है जहाँ तक मेरा ख्याल है, कलर ही फर्क है, बट गाड़ी में सेम वही सेम वैसा का वैसा ही है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बिल्कुल एप्पल कारप्ले है, एप्पल कारप्ले भी है भैया, Z4 में आ रहा है भैया, बिल्कुल आ रहा है, Z4 में आ रहा है, तो जरा ये वायर्ड है, वायरलेस नहीं है, लेकिन फॉर्च्यूनर में भी वायर्ड आता है, और जो लोग वायरलेस चला रहे हैं मैंने उनसे रिस्पॉन्स सुना है, वायरलेस का रिस्पॉन्स ना लैग करता है, जैसे कि अगर आप चल रहे हो ना तो कट वो थोड़ी बात आता है वायरलेस कनेक्टिविटी की वजह से, इंटरनेट की वजह से, एग्जैक्टली, वो बहुत नॉर्मल है कि वायरलेस में होता है। अब ये बताओ मेरे को यार, इसमें स्टोरेज कैसी है? स्टोरेज का, स्टोरेज तो देखो स्पेस का थोड़ा इशू है ना, जैसे कि एक तो इसका हैंड रेस्ट जो है उसमें इतना ही गैप है कि या तो आप वॉलेट रख लो या कपड़ा रख लो, सिक्के मत रखना क्योंकि वो कितना कितना गड्ढा है। बिल्कुल, मुझे लगा शायद कि पेट्रोल, ये देखिए इसमें बस एक ये नहीं, भाई सेम है, सेम है, सेम पेट्रोल डीजल दोनों में स्पेस सेम दिया गया है, ये भी इसके अंदर भी कुछ ऐसा स्पेस नहीं है, ये तो इशू है भैया, ठीक है। हाँ भाई, इसमें भी USB 2 ही दिए है भाई ने, वो डिंग डिंग भाई लगाया नहीं है। अभी बताओ पीछे क्या है चार्जिंग? पीछे चार्जिंग का बीच में सी टाइप है, तो सी टाइप तो होता नहीं हर आदमी के पास, अब वो नहीं होता पर आजकल फोन आ रहे पीछे सी टाइप ही है, वैसे USB होना चाहिए, नहीं बिल्कुल होना चाहिए ना, आगे बताओ मेरे को, पीछे 12 वोल्ट का सॉकेट भी तो है, बहुत बढ़िया जी, क्या करोगे इसका, इसमें एक बेस ट्यूब डाल के लगा देंगे। इसमें एक बात बताओ, अगर आप पे पंप है और टायर आपने हवा भरनी है उस वाले टायर में, हाँ कैसे भरोगे भाई, वायर नहीं पहुंचा, भुगत भोगी है ना ये भैया। मुझे ये शुरू में भी समझ नहीं आया था कि सॉकेट पीछे क्यों, पीछे क्यों, इतना पीछे क्यों है, आगे दे देते, बीच में दे देते, पीछे इतना कौन लगाएगा, मतलब ये इसीलिए दिया, तार ही नहीं पहुंचेगा, बिल्कुल ये इसीलिए दिया है कि है पर वो यूज नहीं करना तुम्हें, वो बस है, 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 उसे जहाँ होना चाहिए वो है। नहीं नहीं नहीं, और गाड़ी का वैसे ओवरऑल आपका क्या क्या एक्सपीरियंस है, ये गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए बताओ खुल के? भाई मैं तो ये कहूंगा आज की डेट में अगर मिल नहीं रही SUV, पहली बात तो मिल नहीं रही ये, और XUV 700, मेरा इससे पहले 700 लेने का प्लान था, XUV 700 जब लॉन्च हुई थी, लेकिन मुझे 700 में नो ग्रजेस गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन पर्सनली ना मुझे थोड़ी ऊंची गाड़ी पसंद है, एक तो वो गाड़ी नीची है, वो अर्टिगा वाली हाइट पे है गाड़ी। देखो भाई हम किसी गाड़ी की बुराई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक फीडबैक शेयर कर रहे हैं, गाड़ी वो भी बहुत अच्छी है, जैसे मैं कह रहा हूँ मुझे पर्सनली ऊंची गाड़ी पसंद है, तो ये XUV 700 से बहुत ऊंची है, ऑल्दो कम्फर्टेबल तो XUV 700 में ज्यादा है, लेकिन एक तो उसके शॉकर बहुत ज्यादा कम्फर्ट है जिसकी वजह से गड्ढों में जाने के बाद वो थोड़ी सी आवाज करती है, ये उसका एक छोटा सा इशू है। ये देखो ना ये ब्यूटी कहाँ से लाओगे उसमें, जो ये गैप है आपका, एग्जैक्टली ये कहाँ से, ये कहाँ से आएगा गैप इसमें, और ये जो जो ये इधर से खड़ी है वो तो नीचे रहती है बैंड, बिल्कुल बैंड, तो ये हाइट नहीं है आपका, हाइट 6 कितनी है? मेरी हाइट 6 फुट है भाई, देख लो आपसे भी लंबे, आपके बराबर गाड़ी है ना, बिल्कुल है। हाँ इसका मजा ही अलग है यार, आप तो इसका रौला है, इसका वो रौला नहीं है, इसका रॉब है, ठीक है, ये जब किसी के रियर व्यू मिरर में डिपर देती है ना तो हॉर्न मारने की जरूरत नहीं पड़ती, वो साइड हो जाता है, XUV 700 में ये चीज नहीं हो पाती। वैसे एक फायदा हो रहा है हम लोगों को, जैसे कि हमारी स्कॉर्पियो पहले हमारे थोड़े दबंग भाइयों की थी, थोड़े मतलब मस्कुलर लोगों की थी, तो वो ही सोचते यार इस गाड़ी में बंदा बैठा है ना शायद, और जबकि हम है नहीं, वो है ये भी भाई कुछ ऐसा बहुत है, जो पुराने लोग जिनको पुरानी पसंद है ना वो अभी भी क्लासिक पे ही जा रहे हैं, लाइन लगा के बिक्री होगी, बिल्कुल मॉडिफाई कराते हैं क्लासिक एस लेके, बिल्कुल बहुत करा रहे हैं लोग, लेकिन वो ना बिल्कुल रिजिड कार है, वो 16 लाख की मिलती, 15 लाख की मिलती है भाई, वो टॉप मॉडल तो और महंगा है ना, वो तो फिर भी 19 लाख का है। हाँ, तो फीचर्स कुछ नहीं है, ये पूरा लग्जरी पैक कर दिया है ना जो स्कॉर्पियो को, ये स्कॉर्पियो एन जो रेस टू डी पावर एन कर दिया है ना, वो लिटरली वजनदार है नाम से। नहीं ये गाड़ी ना शहरों के लिए बन गई है, बिल्कुल सिटी के। दूसरा एक होता है कि लोग कहते हैं भाई ठीक है तुमने कार ली है, इसके लिए ये नहीं बोलते कार ली है भाई, स्कॉर्पियो ली है, बता रहा हूँ अगर वो गाड़ी पुराने शेप वाली होती तो मैं नहीं खरीदता उस गाड़ी, नहीं खरीदता, बहुत लोग नहीं खरीदते, बिल्कुल
ये तो ये पता नहीं क्या यार, मतलब इतना एक हाथी सा ले लिया है, खाता घोड़े की तरह। जिस दिन इसके पहली वीडियो लॉन्च हुई थी ना बिग डैडी, तब तो इसका नाम भी नहीं बताया था, बस एक हल्की सी लुक्स दिखाई थी, उसी दिन से यार ये गाड़ी चाहिए। और डर था यार ये गाड़ी ना कहीं 25-30 से ऊपर ना चली जाए, फिर तो बजट से बाहर हो जाती ना, क्योंकि बहुत लोगों के बजट से बाहर हो जाती। सबसे मेन इसका है कि इतनी फैसिलिटीज और इतने पावर और इतने बड़े साइज के साथ इसकी जो रेंज आई है ना, प्राइस रेंज बहुत गजब है, बहुत गजब रेंज भाई मिल रही है। बिल्ड क्वालिटी 5 स्टार। अरे कहां मिलते हैं इतने मोटे दरवाजे? नहीं मिलते भाई, इतना मोटा दरवाजा है इसका, पुरानी स्कॉर्पियो के 2 आ जाएंगे तब एक दरवाजा बनता है। सर जी एयरबैग कितने हैं? एयरबैग फ्रंट में 2 ही हैं। अच्छा आपके भी 2 हमारे भी 2 यार, फिर हमें फायदा क्या बोले इतनी महंगाड़ी लेने का, हम भी 16 लाख के ले आते। कोई बात यार, मेरी भी 2 ही है, कोई बात नहीं, हमारी में भी ORVM 4 नहीं होते, आप भी चेंज कर रहे हैं। आप पूछ रहा। मैं वही काम कराता हूँ भाई जो पैसे में कम हो, और मेरी गाड़ी की ना टेक्निकलिटी जो ना वो वायरिंग वगैरह में ज्यादा कटपट ना हो। मैं तो कैमरे की बात भी चल रही है भाई, पहले सर्च कर लो, स्टडी कर लो, लगा लो, फिर लगाएंगे। बिल्कुल हाँ, ऐसे नहीं गाड़ी भैया, गाड़ी से प्यार बहुत है। लोग क्या कर रहे हैं, कैमरा लगवा के ना ऊपर रियर व्यू मिरर पे एक्स्ट्रा स्क्रीन लगवा, बहुत लगवा रहे हैं, बहुत लगवा रहे हैं, बहुत लगवा रहे हैं, वो चीज एडजस्ट। लोग तो 20-20 इंच के अलॉय लगवा रहे हैं। अरे गाड़ी भाग नहीं रही उसके बाद, मेरी माइलेज यार कम होगी 18 इंच होते, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, आधा किलोमीटर किलोमीटर कम होगी, 17 इंच लगवाने चाहिए, मैं तो ओपनली बोलता हूँ, एवरेज सामने बोल रही है आपकी। हाँ अब मुझे अगर मालूम होता 12-13 की माइलेज आएगी तो मैं भाई पेट्रोल ले लेता। तो भाई जो भी भाई पेट्रोल पे कर रहा हो तो ये हमारे जीके भाई के ब्लॉग पे जाना और देखना कि बहुत सा देखो खुद पे भी डिपेंड करता है। आप इसको जो इसके अंदर गियर शिफ्ट बताता है आपको कवर डाउन में वो करना है, ठीक है, तो अगर आप इसको 2000 RPM तक में शिफ्ट कर रहे हैं तो आप आराम से ना लॉन्ग रूट पे इसकी 13-14 की एवरेज निकाल सकते। देखो 1500-1600-1700 ऊपर RPM मत ले जाओ, बेस्ट मैं तो वही रखता हूँ। आपने भी एवरेज निकाल दी जब आप अरुण भाई से मिलने गए थे? मैं निकाल दिया, एवरेज निकली यार वो तब 17 इंच टायर थे ना। अच्छा 18 इंच लगाते थोड़ा नीचे आ गया हूँ। हाँ लेकिन हमारे मेरे ब्लॉग पे बहुत ही रॉ आता है, मैं ज्यादा वो नहीं करता, जो जेन्युइन चीज होती है वो होती है। आप गाड़ी में खास बात और देखिए, मैंने भगवान की मूर्ति रखने की एक स्पेशल जगह है, ये Z8L वालों में नहीं है, L वालों में नहीं है, उसमें सोनी का स्पीकर आ जाता है। मैं टेस्ट ड्राइव के लिए गया था तो मैंने तो पूछ लिया था, ये बड़ी बड़ी अच्छी लगी। ये बताओ आपने स्पीकर दे दिया है, हम लोअर वाले कहाँ रखें? इंडिया में रखते हैं, क्योंकि ये तो सबसे प्राइमरी चीज, सबसे प्राइमरी चीज, गाड़ी में चाबी बाद में लगेगी, पहले मूर्ति आएगी, तो भाई कैसे जरूरी भी है। तो मेरे को उन्होंने बताया कि यहाँ स्पीकर नहीं होगा, यहाँ एक गैप होगा, और फिर मेरे वीडियोस में भी जो लॉन्च हुई थी देखा, तो मुझे तो ये चीज अच्छी लगी। इस मामले में लग्जरी वालों को मैं थोड़ा चिढ़ाऊंगा कि भैया हमारे पास ये गैप है, क्योंकि बाकी जो इसका डैशबोर्ड है ना वो थोड़ा स्लोप में है और वो डॉटेड है, तो उसमें थोड़ा टाइम में ना मूर्ति हटने वाला डस्ट, और मैं भी सेट कर रखे भैया, मेरे भी सेट है वो, ये इकोस्पोर्ट वाले। आपके पास Z8L के स्पेशल वेरिएंट है जिसमें गैप है, मैंने लगवाई है भैया, मैंने लगवाए पैसे देके। अच्छा बताओ कमियां तो बताओ गाड़ी की, कमी देखो तारीफ तो हमने बहुत बता दी, तो स्पेस वाला इशू थोड़ा सा है। यस यू आर राइट, उसमें मैं मानूंगा कि इसको कुछ भी सामान रखने का जो स्पेस है वो थोड़ा कम है, ज्यादा देना चाहिए था, इसका ग्लोव बॉक्स थोड़ा बड़ा कर देते। जी जी आप डिजायर में देखो ऐसा लगता है अटैची आ जाएगी इसके अंदर, टाटा की हर गाड़ी में होता है, सफारी में कितना गजब का स्पेस, बिल्कुल नहीं छोटी वाली गाड़ियों में भी है, पंच में भी है, लेकिन इसमें कम है, और इसमें कम है। उसके अलावा जो मुझे 12 वोल्ट चार्जर 12 वोल्ट का आगे देना चाहिए, बीच में कहीं दे दो, बीच में आगे कहीं दे देते, क्यों आगे पंप हरा भी रखता है, सीट के पीछे नहीं देना चाहिए यार, पंप कैसे पहुंचेगा वहां पे, बिल्कुल अब नया पंप लू क्या मैं, पता क्या कहता हूं कि मेरा वो टायर नहीं पंचर होना चाहिए कभी। वैसे तो ना मैं मेरे को जो पसंद लगता है, मेरे को भी पंप लेना है इलेक्ट्रिक की बजाय, एक तो टाटा इनको पंप देना चाहिए, टाटा वाले देते हैं वो स्टेपलिन देते सॉरी इसलिए देते हैं कि पंचर किट भी देते हैं कि पंचर लगा लेना। हाँ लेकिन मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है ये हम ढूंढ रहे हैं इसकी, हम ये छानबीन करने के बाद ढूंढ रहे हैं जबरदस्ती कि क्या कमी है, पर इस गाड़ी के अंदर नॉर्मली बहुत कम कमी कुछ नहीं है, ढूंढने पे मिल रही है, ढूंढने मिल रही है। एक और चीज इसकी फैसिलिटी लगती है जो पुरानी स्कॉर्पियो में ना हमें ऐसे बैठ गए, हाँ। अब जब गाड़ी रुकेगी ना तभी पैर सीधे होंगे, नहीं तो बैठे रहो, हाँ। ठीक है, इसमें फीचर ये है कि आप इसमें ना पैर पे पैर भी रख सकते हो, अभी मैंने बहुत बैक कर रखा है, जी 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 पैर पे पैर रख के बैठे, तो मुझे ये फीचर काफी अच्छा लगता है। नहीं नहीं ढूंढनी पड़ रही है, और इसके अंदर भाई ये सब मैट फिनिश में आता है, लेकिन जो मेरे पास Z8L है उसमें सारा का सारा पियानो है, ये भी चेंज है, ये थोड़ा सा फर्क है बस। आपका Z8L में मिल गया, मैं सोच रहा हूं मैं करा लूं। अच्छा आपको कराना है, तो भाई ये तो था हमारा गौरव जी का छोटा सा फीडबैक था, सब बता दिया इन्होंने, इन्होंने सब बता दिया Z4 पेट्रोल, मेन कंसर्न था माइलेज, अदरवाइज
Z4 डीजल और पेट्रोल कॉपी पेस्ट है, इंजन में थोड़ा सा फर्क है, टॉर्क में और BHP में उसे इतना फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ ये पेट्रोल की गाड़ी 15 साल इंजॉय कर सकते हो, डीजल की गाड़ी 10 साल बाद भैया उन्हें पौने दाम में दे सकते हैं, देनी पड़ती है। आप प्लीज ध्यान रखना, अगर गाड़ी कम चलती है, अगर आपकी गाड़ी महीने में 1000 किलोमीटर भी नहीं चलती, तो आप प्लीज डीजल मत खरीदना, स्पेशली दिल्ली NCR में। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा छोटा सा इनपुट अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक व्लॉग। जय अकिन, जय भारत। और सर के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं खुद इनको देख देख के आज यहाँ तक आया हूँ। सब्सक्राइब करने पे गौरव जी मैं थोड़ा कहता हूँ, हाँ ये सॉरी मैं नहीं बोलूंगा भाई, क्यों करेंगे यार सब्सक्राइब मेरे चैनल को आप, जब आपको मजा नहीं आ रहा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो आप करोगे। एग्जैक्टली, किस किस का सब्सक्राइब करोगे आप? बिल्कुल सही बात है, मैं अच्छा लगे मैंने भी आपसे सीखा है कि अगर आपको पसंद आ रहा है तो डू सब्सक्राइब टू दैट। इन्फॉर्मेटिव है, लगा कि मेहनत कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगता है तो आएंगे और लोग जुड़ते हैं। मेरा ये मानना है लोग जुड़ते हैं और ऑर्गेनिक ग्रोथ कहते हैं इसको, ऐसे सबसे बेस्ट ग्रोथ है, वो देखेंगे तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे, कम है लेकिन ठीक है भैया। चलो भाई अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच, बहुत दूर से टाइम निकाल के आए हैं और भाई के चैनल में जरूर जाना, बड़े इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालते हैं और बहुत ही यंग है, एनर्जेटिक है, बड़ा मजा आता है इनसे मिलने के बाद। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।